पे अगर आपके पास कुकुम्बर है, यहाँ पे कैरेट नहीं है, तो कुकुम्बर को भी सेम उसी जगह पे आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अगर आपको हर्ट शेप ऐड करना है, कि हर्ट बनाना हो या कोई फ्लावर बनाना हो, तो इसमें कटिंग आपको जो हमारा कुकुम्बर होता है इस तरह से कट करना है, जिससे कि हर्ट बहुत ही लवली बनेगा। ये देखिए यहाँ पे नहीं, प्लेट में ये ज़्यादा फिनिशिंग दिखता है। उसके बाद लीफ आपको बनाना हो, जैसे आप कोई फ्लावर बना रही हैं, आप चाहते हैं कि लीफ बनाएं, तो इस तरह कुकुम्बर को कट कीजिए और इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके, और ये लीफ बन जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं छोटा सा लीफ मुझे बनाना है, तो कुकुम्बर को इस तरह आपको कट करना है और उसके बाद इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेने हैं। तो ये लीफ बनाने के लिए भी बहुत ही यूजफुल होता है, ये आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैं कैरेट इसलिए कट कर ले रही हूँ क्योंकि कैरेट अभी बहुत बड़े बड़े साइज के कैरेट नहीं मिलते हैं, ऑरेंज वाला कैरेट अभी मिलता है। तो अगर आपके पास कैरेट नहीं है तो इसके जगह पे आप टोमेटो ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ मैं कुकुम्बर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह कुकुम्बर को हम डेकोरेट कर लेंगे, डबल लेयर लगा के मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने टोमेटो का रोज बनाया है, उस टोमेटो के रोज को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह की, आपने देखा कि टोमेटो का जो रोज है उसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारे सैलेड डेकोरेशन में। उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ कैरेट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको एक और ट्विस्ट बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे मैंने 4 फ्लावर कैरेट के ही दिए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और सब्जियाँ ऐड करनी है और डिजाइन भी मुझे सेम डालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट अगर कैरेट डाला तो आप सेकंड टोमेटो डाल लीजिए, थर्ड अनियन डाल लीजिए, फोर्थ वाले फ्लावर को बीटरूट से ऐड कर लीजिए। यानी कि 4 फ्लावर 4 कलर के भी आप डाल सकती हैं, या इस तरह भी आप डेकोरेट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ कैरेट से ऐड किया है, तो मैं चारों तरफ से कैरेट ही ऐड करूंगी और बीच में कुकुम्बर को इस तरह सेट कर दूंगी। तो ये एक फ्लावर शेप में हो जाएगा और छोटी छोटी चेंजिंग से आप देख सकती हैं सैलेड का प्लेट कितना सुंदर लग रहा है। तो ये 4 फ्लावर में जो सब्जियां आप चाहे वहां पे ऐड कर सकती हैं। तो ये सैलेड का प्लेट बिल्कुल रेडी हो गया है ना, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो खाली स्पेस है वहां पे हर्ट कैसे हम बनाएंगे। ये देखिए जो कटिंग मैंने किया था, तो ये जो प्लेट में आप शिफ्ट करेंगे तो कितना सुंदर लग रहा है। हर्ट बनाते समय आपको बिल्कुल डार्क कलर के कुकुम्बर का यूज करना है, उससे क्या होगा इसका फिनिशिंग लुक आएगा और ये भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने पतले पतले कुकुम्बर कट किए थे उसको यहाँ पे ये लीफ मैंने बना दिया। तो आप देख सकती हैं कि जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं सैलेड का प्लेट उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहा है ना, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपने देखा कोई कटिंग नहीं है, बट सैलेड का प्लेट बिल्कुल रंगोली की तरह लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ऐसा प्लेट डाइनिंग टेबल पर है तो आपके खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आपका जो सैलेड डेकोरेशन है ये भी तैयार हो गया, ये देखिए। लेकिन इसमें भी अगर आप चाहें तो इसमें भी चेंज कर सकती हैं। अब इसमें आप सोच रहे हैं क्या चेंज करें हम, तो यहाँ पे आपको कैरेट ऐड करना है। जो मैंने लीफ बनाया है उसके बीच में अगर कैरेट आप रखेंगी तो ये देखिए डेकोरेशन कैसे देखते देखते चेंज हो रहा है ना चेंज। तो ये भी आपका सैलेड का प्लेट बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अलग डिजाइन से कैरेट का जो डेकोरेशन है सैलेड का वो बताऊंगी। इसके लिए चारों तरफ से आपको गोल गोल सर्कल जो कुकुम्बर का है उसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर लगाएंगे हम कैरेट का, ये देखिए कैरेट का लगाना है। इसमें भी मैंने 2-3 लेयर लगाया है, आप अपनी पसंद की सब्जियां इस लेयर में ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेयर और मैं कुकुम्बर का लगाऊंगी, जिससे कि ये जो कलर है ऑरेंज और व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट, तो वो जो मल्टी कलर आएगा 2 कलर का तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह। अब यहाँ बीच में हम वो जो टोमेटो का रोज है उसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, जो मैंने अभी टोमेटो का रोज आपको बताया था। ये देखिए हर जगह टोमेटो का रोज चाहिए होता है, और जो हर्ट शेप मैंने बनाया था कुकुम्बर कट करके तो उसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए कितना लवली लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। तो ये आपका सैलेड का प्लेट बनके बिल्कुल तैयार हो गया। यहाँ पे भी सेम वही चेंजिंग मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास यहाँ पे चेंज करने के लिए है तो जो कैरेट है उसको 3-3 ट्रायंगल शेप में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह ऐड करने से सैलेड का प्लेट लग रहा है ना, बहुत सुंदर। आप कैरेट के जगह पर टोमेटो भी ऐड कर सकती हैं, आप सिंगल टोमेटो भी ऐड कर सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये भी सैलेड का प्लेट बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करूंगी मैं, और उसके लिए क्या करना है कि जहां मैंने कुकुम्बर ऐड किया था कुकुम्बर को हटा के मैं यहाँ पे पूरा जो कैरेट है उससे पूरे डेकोरेशन को फिल कर दूंगी, जो बीच वाला पार्ट है। ये देखिए अब बीच में एक हम कुकुम्बर का छोटा सा पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको ऐड करेंगे, ये देखिए
है ना। अब यहाँ पे हल सिर्फ जो मैंने सीधे साइड से लगाया था उसको उल्टा करके लगाएंगे, लगाएंगे वही चार साइड से लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इसका लुक जैसे जैसे आप चेंज करेंगे पूरे प्लेट का लुक चेंज हो जाएगा, और ये इतना फिनिशिंग लगता है कि देखने से लगता ही नहीं है कि इसका हम सैलड डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए हो गया ना बहुत लवली सा डेकोरेशन। अब यहाँ पे आपको ये कुकुम्बर सॉरी कैरेट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये डेकोरेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इस तरह से डेकोरेट करना मुझे अच्छा लगा था। ये देखिए तो यहाँ पे इस तरह चारों तरफ से मैंने डेकोरेशन कर दिए हैं। तो ये भी आपका सैलेड का प्लेट बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं कुकुम्बर रख रही हूँ, कुकुम्बर की जगह पे आप अनियन या आप यहाँ पे टोमेटो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये सैलेड का प्लेट बिल्कुल रेडी हो गया, डेकोरेट किया हुआ प्लेट आए तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है और देखने में भी ये प्लेट बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसी तरह आप मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। तो चलिए किसी नए यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके या रेसिपी लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।